क्या आपको दिमाग में क्या ढेला भरा हुआ है? सुरक्षा में सेंध काट के सीमा हैदर जैसी महिला उठ के चली आती है 5 गो बच्चा को लेकर, तो कभी आपका नूह जैसा राज्य पूरा जल जाता है, कहीं कभी आपका बेटियां को नग्न करके आपके ही जो अति है मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह उनके आपके ही शासित भाजपा शासित प्रदेश में महिलाओं को नंगा करके परेड करवाया जाता है। कहाँ सुरक्षित, क्या सही आपको दिख रहा है? 13 दिसंबर को जो लोकसभा और विधानसभा में जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, यानी स्मोक जो बम जो फेंका गया था, उसको लेकर के अभी तक 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और सबसे बड़ा बात यह है कि पक्ष की कोई भी सांसद नहीं है, सारे जो सांसद है वो विपक्ष के हैं। यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पक्ष की जो पार्टियां हैं वो जो है कि विपक्षी पार्टियों को नहीं चाहती है कि वो सांसद में बैठ सके। और इसको लेकर के अभी पटना के RJD कार्यालय के बाहर मौजूद है और हमारे साथ खुशबू रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर जो सांसदों के साथ हुआ वो क्या सही हुआ। खुशबू, क्या ये सही हुआ कि सांसदों को निलंबित कर दिया गया? सही कुछ हो कहाँ रहा है देश में आजकल, जिधर देखिए उधर गलत ही हो रहा है, जहाँ देखिए वहाँ गलत हो रहा है। और विपक्षी को तो पूरा टारगेट किया जा रहा है कि कैसे इसको हटा दिया जाए, ताकि तानाशाही लाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको क्या कहिएगा आप? सबसे तो पहले बात करने का एक तरीका होता है, तरीका से ही तो कर रहे थे, कुर्सी तोड़ देंगे कुछ भी, तरीका से ही तो कर रहे थे, कुर्सी तोड़ गए। आप एक बात बताइए, आप संसद में स्मोक बम फूट जाता है और आप उसकी जवाबदेही नहीं दीजिएगा तो सवाल नहीं होगा आपसे। बीजेपी ने करवाया, विपक्ष कुर्सी, बिल्कुल विपक्ष अगर कुर्सी बताते हैं जब विपक्ष कुर्सी तोड़ दिया तो आपको इतनी तकलीफ हुई। हाँ। एक नॉर्मल सा पास पे आप रिक्शा ठेला वाला को घुसा दिए, क्या पता हुआ स्मोक बम के जगह RDI लेके घुस जाता, तब क्या होता संसद में? तब ये सांसद बचते हटाने के लिए विपक्ष वाले को? उसका जवाब देही कौन देगा? इसको करवाया, हाँ बिल्कुल, 2001 में भी हुआ था, याद करिए ना, तब भी बीजेपी का सरकार था। आखिर इन्हीं के सरकार में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों होती है, जो कहते हैं हम विश्व गुरु बनने वाले हैं? तो बीजेपी के सरकार में अपनी मिमिक्री करवाना बीजेपी क्यों चाहेगी? अरे महाराज, तो गलती क्यों कर रही है? इसका मतलब ये वैल्यू नहीं दे रही है कि सांसद भवन को इनके नजर में कुछ नहीं है, एक आम चीजें हैं, या फिर ये जानबूझकर करवा रही है? क्या चीज सुरक्षित है? हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे देश में संसद भवन सुरक्षित नहीं है, हमारे देश में नो जैसे राज्य का पूरा प्रदेश का प्रदेश जल जाता है, वो सुरक्षित नहीं है? क्या सुरक्षित है हमारे देश में? सुरक्षा में इतना बड़ा सेंध हो जाता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से घुस के चली जाती है, तो सुरक्षित क्या है हमारे देश में? ये तो ताल ठोकती है बीजेपी की, हम सुरक्षा का ढेर पुल बांध लिए है, तो फिर असुरक्षा कैसे हो रहा है हर जगह? मान के चलिए ना, आप ही बोले ना कि वो एक स्मोक बम लेके घुसी थी, सिर्फ धुआं हुआ, उसके जगह वो RDI लेके घुस जाता, उसके जगह वो एटम बम लेके घुस जाता, तो क्या होता? आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी करवाई है, बीजेपी अपना मिमिक्री क्यों कर रही है? जिसमें स्पीकर बीजेपी के, लोकसभा में स्पीकर बीजेपी के, लोकसभा में सबसे अधिक सांसद बीजेपी के, लोकसभा के अंदर एंट्री करने वाला होगा कम से कम, वहाँ पे भी तो उन्हीं से रिलेटेड लोग होंगे, उन्होंने अनुमति कैसे दे दी उन लोगों को जाने की? क्यों दी अनुमति? सांसद भवन वो खेल भवन था। एक बात बताइए, आप पत्रकार को आने के लिए अलाउड नहीं करते हैं और एक आम पब्लिक को घुसने देते हैं, ये आपको दिमाग में क्या ढेला भरा हुआ है? आपको समझ में नहीं आता है? मकसद यही कि बीजेपी चाहती है कि सांसद, विपक्ष के जितने भी सांसद हैं उनको अंदर नहीं रहने दिया, यही प्रोपेगेंडा हुआ था, इसीलिए उन लोगों को घुसाया गया था, जानबूझ के ये माहौल क्रिएट किया गया था ताकि उनको एक मौका मिल जाए विपक्ष सांसद को हटाने का, और हुआ भी वही जो वो चाहते थे, सिंपल सी बात। अच्छा एक बात बताइए, पहला बार 5 को हटाए थे ये उल्लंघन करने के जो जुर्म में, उसके बाद ये 14 को हटाए थे जिसमें एगो था ही नहीं उसमें, देखे थे ना, तो विपक्ष में 15 को जिसको किए थे, 14 को जो दूसरी बार हटाए थे उसमें एक उपस्थित भी नहीं था, उसका भी नाम लिस्ट में था, जानते हैं ना, तो वो भी हो गया। इस मतलब सब कुछ प्रीप्लान्ड हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है हमारे देश में, ये चाह रहे हैं कि तानाशाह आए, जो हम कहे वही हो संसद में, सिंपल सी बात है। विपक्ष के सवाल से बीजेपी डर रही है, उनकी औकात नहीं है भी जब विपक्ष की सवालों का जवाब देने का, सीधी सी बात है। पहली बार तो नहीं हुआ, इसके पहले भी बहुत बार हुआ, तो उस बार जो है की निलंबित क्यों नहीं किया, इसी बार क्यों किया? चुनाव कब है बताइए, अभी कब है ना, मार्च अप्रैल अगले साल। हाँ, तो सिंपल सी बात है, अब लोगों को दिखाना है कि संसद भवन में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष रहेगा तो सवाल उठाएगा ना, जहाँ भी कमियां दिखेगी उस पे सवाल करेगा ना, और विपक्ष नहीं रहेगा तो सवाल तो होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, पॉलिस, बात समझ रहे हैं? अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छे अच्छे वाइब्स आएंगे, सारी बुराइयों को छुपाया जाएगा, सारी छोटे छोटे अच्छाइयों को बड़ा बवंडर करके दिखाया जाएगा लोगों के दिमाग में, ये सेट अब तो टीवी पे आने लगा संसद भवन का कार्यक्रम, पहले तो ये नहीं था, पहले पेपर में आता था कि फलना ने ढिमकाना ने ये बोला, लेकिन अब तो टीवी पे आ रहा है,
अब लोग उससे देखेंगे, लोग सोचेंगे वाह हमारे देश में क्या खुशहाली छाया हुआ है, इधर लोग मर रहे हैं गरीबी से, वहाँ दिखाया जाएगा हमारा देश विकसित हो रहा है, हमारे देश में इतने की उन्नति हो रही है। एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं हम अपने देश को विकसित कर लिए हैं, आज भी हमारे देश जीडीपी में तीसरे स्थान पे है, जो उस समय वो ला के दिए थे, क्या नाम इससे पहले जो मोदी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी जो तीसरे नंबर पे ला के दिए थे, अभी तक जो तीसरे नंबर पे का नहीं दूसरा नंबर पे ले आए, पहले तो पांचवे स्थान पे था ना, तो से सुन, ये क्या पद नहीं, ये नहीं ना लाए, ये बोल रहे हैं विकास, सबने ढोल पीटता था कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, ये ढोल पीटते हैं ना, तो ये जवाब देंगे ना कि तीसरे नंबर पे तब भी था और अब भी तीसरे नंबर पे क्यों है, क्यों नहीं दूसरे नंबर पे अब तक भारत आ गया, ला के दिखाए भाजपा वाला दो नंबर पे, ये कोई खेल थोड़ी है, कितना जल्दी आ जाएगा, समय लगता है। तो बोले भी तो नहीं ना कि हम बड़का विश्व गुरु बन गए, किस बिहाफ पे आप खुद को विश्व गुरु कह रहे हैं, आपके सुरक्षा में सेंध हो रहा है हर रोज, कभी आपके संसद भवन में बम गिर जाता है, तो कभी सुरक्षा में सेंध काट के सीमा हैदर जैसी महिला उठ के चली आती है पांच को बच्चा को लेकर, तो कभी आपका नूह जैसा राज्य पूरा जल जाता है, कहीं कभी आपका बेटियां को नग्न करके आपके आपके ही जो अति है मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह उनके आपके ही शासित भाजपा शासित प्रदेश में महिलाओं को नंगा करके परेड करवाया जाता है, कहाँ सुरक्षित, क्या सही आपको दिख रहा है, और आप बोल रहे हम विश्व गुरु बन रहे हैं, आप मीडिया को अंदर आने नहीं देते हैं, आज तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया इस डर से कि विपक्ष का सवाल का जवाब देने की औकात नहीं है आप में, और आप कह रहे हैं आप विश्व गुरु बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, और सांसदों का निलंबित करने का एकमात्र उद्देश्य है कि विपक्ष के सवाल से बचना, मोदी जी डर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे सरकार है वहाँ पे जो कोई सही काम नहीं हो रहा वहीं पे अत्याचार ज्यादा हो रहा है, और जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ पे अत्याचार नहीं हो रहा है, अत्याचार सब जगह हो रहा है, फिर सुनिए, फिर बीजेपी को सुनिए, उसका भी बता रहे हैं, उसका भी बता रहे हैं, अत्याचार सब जगह हो रहा है, लेकिन अत्याचार के साथ साथ सरकार का काम है उस पे कसना, पाबंदी कसना, उस पे कानूनी, बिल्कुल छोड़ दिया, आप बताइए 76 दिन बाद जिसको पता चलेगा कि ऐसा हुआ है, 76-56 दिन बाद उसका FIR रजिस्टर होगा, 76 दिन बाद 78 दिन बाद उसको उसके ऊपर केस दर्ज होगा, तो उसको क्या आप समझिएगा, और यहाँ हुआ था, बिहार में भी हुआ था, हम नहीं कहते नहीं हुआ था, बिहार में आप गए थे ना जो अतिबला कांड हुआ खुशरूपुर, दो दिन के बाद अरेस्ट हुआ ना उसका पिता, दो दिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, दो दिन के बाद हुआ ना, आप चले जाइए बेगूसराय में मिट्टी हत्याकांड, जिस दिन लाश मिला उसी दिन छाव का छाव गिरफ्तार हुआ ना, आप बताइए हमको एगो कांड जिसमें गिरफ्तार नहीं, हाँ, हो सकता है 100 में 2 आप बता दीजिएगा, तो कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता है, 90% अगर वो सही है मतलब वो सही है, 100% की दावेदारी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब इंसान 100% सही हो जाएगा तो भगवान बन जाएगा, इंसान है गलतियां होंगी, लेकिन जो सिर्फ 90% गलतियां करे उसके बारे में आप क्या कहिएगा, कहां मिलता है न्याय, आप भाजपा शासित प्रदेश क्यों जीत रही है, जीत रही है राज्यों में सरकार, जीत रही है प्रोपगेंडा, आप भी वादा की थी कि 5 राज्यों में बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्यों जीत रही है, हम बता रहे हैं सबसे पहला डिजिटल पे जो भाजपा फोकस कर रही है उससे चलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिससे आजकल के बच्चे पढ़ लिख के आते हैं जिनको इतिहास में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन इतिहास की वो बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, उनके दिमाग को मोनोपोलाइज किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं वैसा हुआ है, लेकिन सच्चाई को ऐसा नहीं होता है, लोगों को पढ़ाई से दूर रखा जा रहा है, लोगों को रोजगार पे बात नहीं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, मंदिर मस्जिदों में जानबूझ के बाबाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग उधर बजे रहे, उधर बजे रहे, इतने बेवकूफ है, इतने पागल है कि उनके बातों में आ जाए, बात बताइए लोग अगर बेवकूफ नहीं रहते लोगों को कितने लोगों को मौलिक अधिकार पता है पूरा भारत में, आप बताइएगा हमें जरा, तो सबको पता है 25% 75% को नहीं पता होगा, हम ठोक के बोलते हैं गारंटी के साथ कि मौलिक अधिकार क्या होता है, लोग जो है जो पुलिस हमारा सर्वेंट है उसको हमको सर बोलना चाहिए, लेकिन आप हमको एक राज्य में बता दीजिए जहाँ हम लोग आप लोग पुलिस को सर नहीं कहते हैं, बिल्कुल सबको ही कहते हैं, मेरे पैसा से उसको सैलरी जाता है, पुलिस प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स हो चाहे कोई भी हो पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो इवन IAS तक, उसको हमारे और आपके पैसे से सैलरी जाती है, हम और आप जो पैसा देते हैं उससे जो कट के जाती है उसका जो हम लोग पे करते हैं कर जो पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं टैक्स, हम और आप जो टैक्स पे करते हैं उस पैसे से उसको सैलरी मिलता है, लेकिन जब हम जाते हैं उसके दफ्तर में तो उसको प्रणाम सर करते हैं, क्यों करते हैं, वो उस पद पे स्थापित नहीं, महाराज नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि हमको असल में जानकारी नहीं है,
यही ये सच्चाई है, यही तो नहीं समझ रही है। बड़े स्तर पे बैठा है उसको अगर जी कर दिए तो आप गलत हो गए, छोटे हो गए। जी कर दिए का मतलब सिर्फ जी करना तो नहीं कल को तेजस्वी यादव को तेजस्वी करके बुला के जी कर जी नहीं करना। देखिए रिस्पेक्ट देना एक अलग बात होती है, लेकिन डरना डरना लोगों के अंदर डर होता है। आप देखते हैं कि कोई गरीब जब थाने पे चाहे हॉस्पिटल में सरकारी में जाता है उसके साथ क्या हाल होता है। हम कल की घटना हम आपको कल की घटना बता रहे हैं, कल को बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा बताइए। अच्छा लगे चाहे नहीं लगे डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला ही जाता है अभी भी बिहार में बहुत सारे लोग है उसको अगर रिस्पेक्ट दे दिया तो क्या गलत है। रिस्पेक्ट देना एक अच्छी बात है, वो हमारे संस्कार में है। हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करो। करना चाहिए। सम्मान की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम डर की बात कर रहे हैं। जो भी पोस्ट पे पदाधिकारी होते हैं डर के करते हैं, हम ये बता रहे हैं। सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं, हम भी सम्मान देते हैं, हम भी सर कहते हैं। लेकिन जिसका काम नहीं हो पाता है, चाहे जो भी जाते हैं जिसके साथ मारपीट की जाती है, वो डर होता है उनके अंदर कि अच्छा फलना बाबूजी हैं। पहले तो बाबूजी बोला जाता था उन लोगों को, अब ना जानते हैं कि सर का मतलब महाशय होता है। पहले तो फलना साहेब, फलना बाबू, चिल्ला बाबू क्यों बोला जाता था जानते हैं? क्योंकि लोगों को असल में सच्चाई नहीं पता था कि फलना बाबू जो है वो मेरे पैसे से पल रहे हैं। अब लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, जिन लोगों को पता है वो अपोज कर रहे हैं। रिस्पेक्ट देना कल हम भी रिस्पेक्ट देंगे, तुम भी रिस्पेक्ट दो। बिल्कुल सही। अगर हम रिस्पेक्ट देंगे किसी को हमको दो, लेकिन होता है क्या? आप बताइए होता है क्या? नहीं होता, ये सच्चाई है। हम देंगे रिस्पेक्ट, आप भी रिस्पेक्ट दो। हम आप बोलेंगे, आप भी आप बोलो, हम तुम बोलोगे, हम भी तुम बोलेंगे। ये असल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग डरे हुए रहते। तो असल में देश में अभी यही चल रहा है, लोगों को बरगलाओ, बाबाओं को प्रमोट करो खूब झोला भर के। जब 14 में आने वाले थे तो कौन बाबा था वो? राम रहीम। हाँ। उस समय उसको खूब हवा दिया गया था, जहाँ जाता था राम रहीम राम रहीम राम रहीम। कहाँ चला गया पता है? जब 2000 उसके बाद वाला आया, 19 वाला आया, तो आसाराम बापू खूब हवा मिला। आसाराम बापू को लोग अंधभक्त बन गए एक दिन से पूरा, खूब हवा मिला। कहाँ है पता है? और अभी धीरेन्द्र शास्त्री को मिल रहा हवा, फलना बाबा आ रहा है, जहाँ आ रहा है वहाँ आ रहा है, वहाँ करने जा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है। 24 के बाद यो चल जाएगा कहाँ? जहाँ उदुन्नु है वहीं इसका जगह खाली। बताएंगी 2024 को चुनाव को लेकर के आपका क्या सोचना है? क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी? क्योंकि ये चीज उस समय भी आपसे पूछेंगे, जितना आप तरीका से बात कर रही हैं, जितना कॉन्फिडेंस से आप जवाब दे रही हैं। देखिए ये डिपेंड करता है आम पब्लिकों पे, अगर आम पब्लिक जागरूक हो जाएगी। देश का माहौल क्या? देखिए देश का माहौल इसलिए अभी नहीं, अभी कुछ कहना मुश्किल है कि दोनों पक्ष जो है, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर ले या एनडीए की अगर हम बात कर ले, तो दोनों अपने आप में अभी मजबूत है। टक्कर की इस बार लड़ाई होने वाली है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी अपना कांग्रेस जो है अपना पूरी पद यात्रा कर रही है, लोगों से जुड़ रही है, लोगों को भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो उनकी भी धीरे धीरे स्तंभ अब मजबूत हो रही है और लोगों में एक चाहत बढ़ रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ग्राउंड पे जब आप जाइएगा, लोगों से पूछिएगा, तो जब आप समर्थक देखिएगा तो टक्कर दिखेगा आपको। टक्कर समझ रहे हैं कि जितना उनके समर्थक आपको दिखेंगे उतना आपको। मध्य प्रदेश में भी था तो फिर एकदम गड़बड़ उल्टा क्यों हो गया? देखिए आप बोलेंगे तो फिर आप बोलिएगा ईवीएम फिर है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर कल को आते तब भी हम ईवीएम को दो देंगे। एक बात, ईवीएम का इन्वेंशन कौन किया था? बीजेपी ने ही लाया था। नहीं नहीं नहीं, लाया तो था कांग्रेस ही, 1999 में आया था, लेकिन इन्वेंशन कौन किया था? मतलब जापान। अच्छा आविष्कार जापान। हाँ आविष्कार जापान किया था, वहाँ बैन कर दिया। दूसरा बार किया अमेरिका, वो भी बैन कर दिया। हमसे आगे रूस, वो भी बैन कर दिया। हमसे आगे चाइना, वो भी बैन कर दिया। हमसे आगे जापान, वो भी बैन कर दिया। एक बात बताइए, सुन लीजिए सुन लीजिए, आपके हिसाब से वहाँ पे गड़बड़ था इसीलिए बैन हो गया? हाँ निष्पक्षता नहीं, अब जरूरी, अब ना लाइन पे। कर्नाटक में भी तब गड़बड़ हुआ है। हाँ अगर हम तो गड़बड़ नहीं, कांग्रेस बोल रही है, एक मिनट सुन लीजिए, कांग्रेस बोल रही है कि नहीं हटाओ, वो तो एग्री है इस बात से। अगर उसको लाभ होता, कांग्रेस को अगर ईवीएम से लाभ होता तो वो भी बहिष्कार करता, लेकिन कांग्रेस तो एग्री है उसको हटाने के लिए। एग्री कौन नहीं है? एग्री कौन नहीं है? बीजेपी नहीं है, वो तो कह रही है हटा दो। वो जानता है किसी से हम खेला करते तो इसको कैसे हटाएंगे? फिर ईवीएम का रोना क्यों नहीं रोता? कौन बीजेपी क्यों नहीं रोती कांग्रेस? अरे भाई तो हम क्या बोल रहे हैं आपको, तो वो विरोध नहीं ना कर रही कि नहीं हटा, वो तो कह रही है कि जनता जिससे करना चाहती है उससे करवाओ, हम वॉलेट पेपर से भी करवाने के लिए तैयार हैं। बड़ी आबादी में वॉलेट पेपर अब संभव है आपको लगता है? अरे भाई हमसे आगे देश संभव है? हम नहीं संभव है, किस बात कहाँ जी रहे हैं महाराज आप? क्यों संभव नहीं है? अगर निष्पक्षता चुनाव में आएगी जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, ईवीएम हटना चाहिए। आप 2020 का रिजल्ट उठा के देख लीजिए ना महाराज, आप भी बिहारी हैं ना, कौन जिला से आते हैं? गोपालगंज।
गोपालगंज सात को सीट का रिजल्ट देखे थे कि विनर कोई और सर्टिफिकेट किसी और को मिला था, देखे थे कि नहीं 2020 में? जानकारी था न, हम अपने आँख से देखे थे। हमारा जो क्षेत्र है ना बछवाड़ा विधानसभा से हम आते हैं, जीता हुआ था वहाँ पे निर्दलीय लड़ रहा था, एगो सेव छाप करके कोई था, और सर्टिफिकेट सुरेंद्र मेहता को दे दिया गया था जो बीजेपी से आते हैं, और एक नहीं टोटल सात सीटों पे ऐसा हुआ था, जीता हुआ आरजेडी को हराया गया था उस बार बिहार में। जब हम अपने आंख से देख लिए इस चीज को तो हम कैसे विश्वास करें उस चीज पे? हम नहीं करते हैं विश्वास। और हम जनता है ना, हम वोट देते हैं ना, हमको नहीं देना भैया ईवीएम से वोट, आप हटाओ। आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस बात से, आपको क्यों आपत्ति है? कांग्रेस को तो नहीं आपत्ति है, विपक्ष की किसी भी पार्टी को, केजरीवाल को नहीं आपत्ति है, नीतीश कुमार को नहीं आपत्ति है, लालू यादव को नहीं आपत्ति है, अखिलेश यादव को आपत्ति नहीं है, आपको क्यों आपत्ति है? चलिए सर, मिला जुला करके 141 सांसदों का निलंबन, ये कहाँ तक सही है? कहीं से भी सही नहीं है, ये तानाशाही का प्रमाण है। भारत में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से विपक्ष को हटा के सारे जगहों पे हड़प ले, उसके बाद अपने हिसाब से जो मन करे, जिसकी चीज जो चीज करना हो अपने हिसाब से किया जाए, लोगों को जैसे चलाना हो, लोगों को एक कठपुतली बनाने का प्रयास है। और जिस दिन भाजपा का जो ये प्रयास है, जो कोशिश है कि हाँ हम सब जगह पे हम आ जाए, वैसे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश जो है ना बहुत पहले भी खून बहाया है, जो लहू पहले बहा सकता है 1947 में वो अभी भी बहा सकता है। तो ये मत भूले, भाजपा इस भ्रम में ना रहे कि आंदोलनकारी हमारा बिहार भी रहा है, हम भी बिहार से, इसलिए बिहार का ज्यादा बात करेंगे। एक समय था जब इंदिरा गांधी तानाशाही पे आ गई थी ना, आप बोलिएगा हम कांग्रेस का विरोध नहीं करते, सुन लीजिए थोड़ा सा, लास्ट में भी सुन लीजिए, जब इंदिरा गांधी तानाशाही पे आ गई थी तो यही बिहार की धरती 1970 में क्रांति हुआ था। तो जब उनका नहीं टिका, जो पिछले कितना साल से था, 77 25-30 सालों से था, जब वो नहीं टिका तो ये किस खेत की मूली है? जिस दिन अपने आप पे आ जाएगी ना बिहार की जनता और यूपी की जनता, उस दिन उखाड़ने में मिनटों नहीं लगेगा, उखाड़ के फेंक देगा।